मैं तो ये कहता हूँ कि सब हम सब भी मर जाएं, अजाब भी आएगा ना हम पर जब हम हाफिज़े कुरान नहीं है। वो क्या मौलवी, वो क्या पीर, वो क्या उफाज, वो क्या कारी, वो क्या अवाम, सबको इज्जतें कुरान की वजह से मिली। किसी का बच्चा कुरान की वजह से ठीक हुआ जनाब, किसी को शिफा कुरान की वजह से मिली, किसी को हिदायत कुरान की वजह से मिली, किसी को ईमान कुरान की वजह से मिला, किसी को इस्लाम कुरान की वजह से मिला। सारा कुछ कुरान मिलने के बाद जब कुरान की इज्जत की बारी आई है तो हम सब बेशरम बन गए। इसमें दूसरी राय है ही कोई नहीं। क्या करें जी, क्या करें? एक ही हल है, हम सब मर जाएं और डूब कर मर जाएं। 57 इस्लामी ममालिक सब झूठ, 1.5 अरब मुसलमान सब धोखा, कुछ भी नहीं है। अगर होता तो आज कुरान को सरेआम ऐसे कोई नजर आता। और यार बारसान ये चीजा कहीं इस तरह लावारिस करके जलांगा।